हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूँ आपका इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है। तो बेसिकली अभी गवर्नमेंट के पास तीन हथियार है, तीन हथियार का मतलब तीन उपाय है, तीन सॉल्यूशन है या तीन पॉलिसी है जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो डिस्कस करते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राइस पॉलिसी, उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी और लास्ट में आता है फिस्कल। फिस्कल को हम यहाँ पे राजकोषीय नीति भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्राइस पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा पहले आप इसके पिछले पार्ट देखिए, पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, तब आपको ये चैप्टर समझ आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन का दोबारा से मतलब क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे रेट इंक्रीज हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है, मतलब कि चीजें की रेट ज्यादा ना बढ़े। तो सरकार क्या कर सकती है, सबसे पहले आते हैं प्राइस पॉलिसी पे, कीमत नीति में। तो सरकार क्या कर सकती है, प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल मतलब होता है अनिवार्य वस्तु, अनिवार्य मतलब कंपल्सरी गुड्स। जैसे अब दिल्ली की बोले तो गैस, आटा, दाल, चावल, चीनी, ये चीज हर परिवार को चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीजों की कीमतों को ज्यादा बढ़ने ना दे। देखिए डोमिनोज का पिज्जा का रेट बढ़ाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप पेट्रोल के दाम बढ़ाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो डेली नीड्स की चीज हमारी घर की जरूरत की है उसके प्राइस मत बढ़ाइए, उस पर क्या करिए, कंट्रोल रखिए। किसको करना होगा, सरकार को करना होगा। पॉइंट नंबर टू, वसूली कीमत या समर्थन कीमत, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड सपोर्ट प्राइस। आपको पता है आपने पहले ही पढ़ा है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, किसानों को उनकी फसल का एटलीस्ट कुछ भाग की फसल के पैसे खुद देने चाहिए। क्या कह रहा हूं समझिए, किसानों ने फसल बनाई, मान लेते हैं उनकी फसल बनी कितने रुपए की, 100 रुपए की, एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा, 100 रुपए की उनकी फसल बनी, तो उनको पूरी आजादी है कि अपनी फसल वो बाहर कहीं भी मार्केट में बेच के आ जाए, 150 में, 200 में, 500 में। लेकिन सरकार को उनके दिमाग से डर हटाने के लिए कि उनकी फसल बिकेगी नहीं या बेचेगी बेच नहीं पाएगी, सरकार को उनकी फसल खरीदने के लिए एक प्राइस दे देना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल ले लिया कितना, 110। तो अब किसान के दिमाग में बात है कि यार अगर किसी ने मेरी फसल नहीं खरीदी तो एटलीस्ट कौन खरीद लेगा, सरकार खरीद लेगी, जिसमें मेरी कॉस्ट तो निकल के आई जाएगी। तो इसे बोलते हैं सपोर्ट प्राइस, वसूली कीमत, समर्थन कीमत। होगा क्या, इससे किसान इससे ज्यादा बनाने लग जाता है, उसके दिमाग से डर खत्म हो जाता है कि मेरी फसल बिकेगी नहीं, क्लियर है। तो ये एक और होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, किसानों को उनकी फसल का पैसा देना चाहिए। नेक्स्ट, अगली पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमारा पहला आ रहा है वो आ रहा है चेक ऑन सप्लाई मनी। चेक का मतलब है यहाँ पर रोक कर लेना, ठीक है। तो हिंदी में लेकर क्या, मुद्रा की पूर्ति पर रोक, चेक मतलब रोकना। तो होगा क्या, देखिए एक कारण मैं बता दूं आपको, इंडिया में अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम, तो डिमांड ज्यादा होने का एक कारण है कि लोगों के पास खर्च करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, उनकी परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है। अगर वो खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन पर पैसा कम करना पड़ेगा, ताकि उनके पैसा कम होने के कारण वो डिमांड क्या करें, कम। और जो डिमांड ज्यादा है वो किसके बराबर आ जाए, सप्लाई के बराबर आ जाए। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी में उसको क्या करना पड़ेगा, कम। अगर मनी सप्लाई को कम कर देंगे तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, और पैसा कम पहुंचेगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दरों में वृद्धि करना। देखिए होता क्या है, बेसिकली लोग अपनी जरूरतों के लिए लोन लेते हैं, और जरूरतों के लिए लोन लेके उन पे खर्च करते हैं, ठीक है। किसी ने बैंक से लोन लिया और क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब देखिए लोन ज्यादा लेंगे तो लोग आज पैसा ज्यादा आ जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन दैट केस जो लोन के ब्याज है ना, इंटरेस्ट रेट, वो बढ़ा देने चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे तो लोगों को लोन लेना क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, और उन्हें लोन लेना महंगा पड़ेगा तो वो लोन क्या लेंगे, कम लेंगे, और लोन कम लेंगे तो खर्च भी क्या करेंगे, कम, और खर्च कम करेंगे तो डिमांड दोबारा से क्या जाएगी, नीचे आ जाएगी। सो हम टैक्सेस में क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट, सेम लाइक वही है, यहाँ पर साख की पूर्ति में कमी, साख का मतलब यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब था लोन। आप लोन ज्यादा मत दीजिए, कम दीजिए। अगर आप लोन ज्यादा देंगे तो लोग आज पैसा ज्यादा होगा, अगर लोन कम देंगे तो लोग आज पैसा कम।
कम होगा, और पैसा कम होगा तो डिमांड कम, डिमांड कम तो इन्फ्लेशन कम। एंड लास्ट पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की है हाथ में जो होते हैं टैक्सेस और एक्सपेंडिचर। देखिए गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है और खर्चा करती है लोगों पे। इनकम कहाँ से अर्न करती है? टैक्स, नॉन टैक्स, कई सारी इनकम आती है, जैसे टैक्स लगाकर, नॉन टैक्स लगाकर, और फिर वो हॉस्पिटल, एजुकेशन, सब्सिडी, कई सारी चीजों पे खर्चा करती है। तो इन दोनों को कम ज्यादा करके भी वो कंट्रोल कर सकती है इन्फ्लेशन को, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए पहला अचेक ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय पर रोक। जो पब्लिक पर खर्चा कर रही है, एजुकेशन पे, सब्सिडी पे, हॉस्पिटल्स पे, और भी कई सारी हैं, वो गवर्नमेंट को क्या कर देनी चाहिए? कम। अब होगा क्या, अगर हॉस्पिटल पे गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है तो लोगों को उस पे खर्चा खुद करना पड़ेगा, और खुद करना पड़ेगा तो उनके पैसे क्या पड़ेंगे? कम पड़ेंगे, मतलब अब वो डिमांड नहीं कर पाएंगे बाहर और चीजों के लिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? खर्चा कम करना चाहिए। नेक्स्ट पब्लिक डेट, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। मैं सरकार हूं, आप सभी लोग मान लीजिए अपने आप को कि आप लोग क्या है, पब्लिक है। तो मैंने बोला कि मुझे आप सभी लोग 1,000 रुपए दीजिए, ठीक है? अभी आप स्टूडेंट से इसलिए मैंने 1,000 रुपये बोला है। अगर मान लीजिए कमाने वाले तो बोलेंगे भाई 10,000 रुपये दीजिए, 15,000 रुपये दीजिए, आपको हम फ्यूचर में बेनिफिट के साथ, प्रॉफिट के साथ इसको 10% ज्यादा देंगे। तो हर कोई यार कहेगा अगर बैंक से ज्यादा फायदा है, मतलब बैंक में रखने से अच्छा है, बैंक से ज्यादा प्रॉफिट अगर ये दे रही है सरकार, तो क्यों ना इनको दे दिया जाए। अब सबने 1,000 1,000 रुपये मुझे दे दिए, ठीक है? अब क्या हुआ, आप लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, ठीक है? तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पैसे ही लिए थे इसलिए ताकि आपके पास पैसे ना रहे, तो गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, ठीक है, समझ आता है। उसके बाद सारा पैसा आ गया मोस्टली। अब आपके पास पैसे नहीं है इकोनॉमी में खर्च करने के लिए, डिमांड करने के लिए। तो यही गवर्नमेंट का यहाँ पे मोटो था कि लोगों से लोन लेकर उनके पैसे कम कर देना, ताकि उनकी डिमांड भी क्या हो जाए, खरीदने की कम हो जाए। दैट्स इट। इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट को लोगों से टैक्सेस ज्यादा लेने चाहिए। टैक्सेस ज्यादा लेने से आपकी इनकम क्या हो जाएगी? कम। तो जो टैक्स देने के बाद इनकम बचती है उसे बोलते हैं डिस्पोजल इनकम। तो आपकी डिस्पोजल इनकम कम हो जाएगी, तो आप खर्च भी क्या करेंगे? कम। और खर्च करेंगे कम तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम। और डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी में कम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर सरप्लस बजट पॉलिसी, अधिकतम बजट नीति। देखिए बजट को 3 कंडीशन के हिसाब से बनाया जा सकता है। एक इक्विलिब्रियम बजट, मतलब संतुलन, जहां पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इनकम क्या होंगे, बराबर। नेक्स्ट डेफिसिट बजट, जहां पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी। और थर्ड सरप्लस बजट। अब मैं बात करता हूं अभी की, करंट की। तो करंट में गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, वो बजट बनाती है डेफिसिट वाले, घाटे वाले। घाटे वाले कैसे? गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है, इनकम कम कमाती है, ठीक है? इससे होता क्या, अब एक बात सोचिए कि कमाई कितने 100 और खर्चा कर दिया 200 रुपए, तो ये आए कहां से पैसे 100? जी ये इनने या तो नए नोट छापे या लोन लिया। इन दोनों ही केस में इकोनॉमी में नए नोट छपने के बाद पैसा दोबारा नया चला जाता है और लोग डिमांड करने लगते हैं। तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि इनकम उसकी क्या हो, ज्यादा हो, और टैक्स क्या हो, एक्सपेंडिचर क्या होने चाहिए, उसके कम होने चाहिए। तो इससे वो टैक्सेस ज्यादा ले रही है और खर्चा आप पे कम कर रही है। गवर्नमेंट की तो इनकम बढ़ेगी लेकिन लोगों की इनकम घट जाएगी, और इनकम घट जाने से उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, ठीक है? सो ये थे पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मे बी ये शायद एक साथ नहीं आएंगे, आपका 1 by 1 पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए, कि गवर्नमेंट की प्राइस पॉलिसी हम कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड फाइनली फिस्कल पॉलिसी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो मैं उसे लिखवा के नहीं, आपको ऐसे ही पढ़ा के समझा देता हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आपको ये समझ आ गया है तो वो वाले पॉइंट भी आप समझ सकते हैं। इसमें बोला है सम जनरल सजेशन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ जनरल सजेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो अब तक जो हमने डिस्कस किया वही है। सबसे पहले सप्लाई ऑफ मनी को क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, मुद्रा लोगों के पास ना जाए। नेक्स्ट हमारे पास घाटे की व्यवस्था की बजाय फायदे की, मतलब सरप्लस बजट बनाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जो कृषि है, मतलब एग्रीकल्चर, आपको बता दूं कि अभी के टाइम में एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता है, तो एग्रीकल्चर पे हमें टैक्स लगाना पड़ेगा इनकम पे। उसके बाद
गवर्नमेंट को खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा जो सामान उनने खरीदा है। जस्ट एग्जांपल मैं अभी कह रहा हूँ, आपने सुना होगा राशन की दुकानें, तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा कि बजाय लोग बाहर से खरीदने के सरकार के थ्रू खरीदे। ठीक है, एंड लास्ट चेक ऑन जमाखोरी। ठीक है, होर्डिंग वो रखा जाए। जमाखोरी का मतलब है लोग जब पता पड़ती है कि कीमतें बढ़ रही हैं तो वो क्या करते हैं, जिस चीज की कीमत बढ़ी है, जैसे एग्जांपल अगर दिल्ली में प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं, उस स्टॉक को रोक लेते हैं और बाहर बोलते हैं कि खत्म हो गया। और वो कब तक रोके रखते हैं, जब तक कि प्राइस बढ़ ना जाए। तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन आता है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो फाइनली इन्फ्लेशन के चैप्टर में हमारे ये टॉपिक्स थे। आप मुझे बताइए इसमें अगर कोई टॉपिक बाकी रह गया है तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अगर बचता है तो। अदरवाइज इस चैप्टर में इतना ही था, अगले चैप्टर में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद एक हमारा यहाँ पे पॉल्यूशन के ऊपर चैप्टर है, एनवायरमेंट के ऊपर, और फाइनली तीन चैप्टर और इसमें रहते हैं, उसके बाद ये चैप्टर बुक खत्म हो जाएगी और हम स्टेट्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।